be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. देख सकते हो मैंने रख दिया मेरा हेडफोन को साइड में, मैंने खुद परचेस कर लिया फ्लिपकार्ट से, तो आपको पता ही है। तो अब चलो इसका कुछ फीचर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं इस हेडफोन के बारे में बताऊँ तो आप इसको ऐसे करके पहले तो खड़ा कर सकते हैं, खुद के पाँव में खुद खड़ा हो सकता है, बहुत ही अच्छा हेडफोन है, खुद के पाँव में खुद खड़ा होता है। तो उसके बाद जो देख लो छोटा है, इसको आप ऐसे करोगे तो लंबा भी होता है, तो थोड़ा सा लंबा मतलब आपका जो एडजस्ट आप खुद को करना पड़ता है। इसका कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है, कोई लॉक सिस्टम नहीं है इसका। तो उसके बाद अगर जब इसको ऐसे करके लगाते हो मतलब देख सकते हो दिमाग में अच्छे से फिट भी हो जाता है, एंड इसका जो लुक है भाई बहुत ही तगड़ा लगता है। एंड जब ये उतना भारी नहीं है, मैं जो गले में लगा के रख रहा हूँ उतना भी भारी नहीं लग रहा। एंड इसका जो गाइस जो कुशन है ना, जो ये वाला देख सकते हो, ये भाई सबसे मेन चीज़ होता है एक हेडसेट का, क्योंकि हम इसको मतलब घंटे का घंटे हम इसको चलाते कान में रखते, तो अगर ये थोड़ा हार्ड होगा तो हमको परेशानी होगा। तो हार्ड नहीं है, उतने भी सॉफ्ट नहीं है, उतने भी हार्ड नहीं है, मीडियम सा कुशन है। तो मीडियम सा ठीक है, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आदत पड़ जाएगा इस हेडसेट का, तो ज़्यादा आदत पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर कुछ कंट्रोल पैनल्स मिलता है, तो स्क्रीन में शो हो रहा है आप लोग देख लेना। तो एक पावर बटन मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन, वॉल्यूम कम करने के लिए बटन, उसके बाद गाना चेंज करने के लिए, उसके बाद आपको ऑक्स केबल लगाने के लिए जगह मिलता है, और एक यूएसबी केबल लगाने के लिए भी जगह मिलता है। सो गाइस ये सब कब तो आपको मिल गया। और एक बात बोल देता हूँ, इसका जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था इसके अंदर यूएसबी मतलब जो केबल हो पोर्ट मतलब नहीं दिया गया था, मुझको खुद का जुगल लगाना पड़ा, उसके बाद इसको लगाना पड़ा। तो वैसे कोई टाइप सी नहीं है, नॉर्मल सा पोर्ट आप लगाओगे तो भाई ये चार्ज हो जाएगा। एंड मैंने जो देखा 6 घंटे तक आराम से चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। मतलब जो बैटरी है पता नहीं कितना बैटरी, मुझे अभी तक पता नहीं इसका बैटरी कितना है, उतना मतलब नहीं है, याद नहीं है मेरे को इतना इसका बैटरी कितना है, पर जो मैंने चार्ज दिया, चार्ज देने के बाद मैंने इसको जब चलाया तो ये 6 घंटे तो आराम से चल जाता है। उसके बाद थोड़ा चार्ज लो हो जाएगा तो साउंड भी लो होने लगेगा। एंड इसका भाई बेस मतलब इसको जब मैं गाना चल रहा था तो इसका साउंड अंदर भी जा रहा है, बाहर भी लोग सुन सकते क्या हो रहा है। अगर आप सोच रहे इसको लेके वीडियो चैट करोगे तो भाई संभल के,
वॉल्यूम थोड़ा लो करके करना, या तो कुछ जो भी बातें होगा तो बाहर के लोग सुन पाएंगे, तो थोड़ा लो वॉल्यूम का आपको बात करना पड़ेगा। उसके अलावा इसको लेकर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, कंप्यूटर में काम भी कर सकते हो, जो बहुत बहुत हार्ड काम होता है कंप्यूटर में, उसके लिए हेडसेट का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट हेडसेट ये है। तो इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया बेस्ट हेडसेट अंडर 1000 रुपीज़, मतलब इसका प्राइस है 650 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ के अंदर एक अच्छा हेडसेट तो भाई बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड उसके बाद इसको लेकर आप पबजी खेल सकते हो, यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हो, कोई भी वीडियोज़ अच्छे से आपको इसको प्ले करोगे, पर अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो आप इसे फुल वॉल्यूम में कर दोगे तो बाहर का लोग भी सुन सकता है, तो उसके लिए थोड़ा लो वॉल्यूम में करना होगा। और अगर आप डीजे वगैरह सुन रहे हो, बाहर का लोग सुनने से कोई परवाह नहीं है आपका, तो फुल वॉल्यूम में सुनिए और मस्ती कीजिए। इसका जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया, इसलिए मैं फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग चाहो तो उस लिंक को क्लिक करके बाय कर सकते हो, या तो ये वाला आपको ऐसे सर्च करोगे तो नहीं आएगा आपके सामने। इस एपिसोड में आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।